एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो अगेन अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नाउ अब हमें गिवन है कि एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ वाई कॉस अल्फा, तो हो जाएगा वाई कॉस अल्फा इंटू क्या जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इस साइन स्क्वायर अल्फा को भी क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्म हमारे पास में कॉस की है तो क्या करता हूँ मैं तो लिख देता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ऐसा हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रहेगा प्लस में वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से जैसे कि वाई कॉस अल्फा इंटू वन इज वाई कॉस अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज वाई कॉस क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो अगेन अगर मैं देखूंगा तो वाई कॉस क्यूब अल्फा और वाई कॉस क्यूब अल्फा कैंसिल आउट और इक्वेशन आ जाएगी वाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट और वाई की वैल्यू क्या गई, वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब अगर वाई हमारा साइन अल्फा है तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स हो जाएगा हमारा इक्वल टू कॉस अल्फा। इक्वेशन में मैं पुट करूंगा तो एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब हमें वैल्यू बतानी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू वन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू वन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।